हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज में। तो दोस्तों अपने अपने आप पता है नई सीरीज शुरू करी है जनरल साइंस की, ठीक है। इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट रोज 20 जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त देख लिया अपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ज्योति तीव्रता की ऐसा ही मात्रा क्या है? तो ज्योति तीव्रता की ऐसा ही मात्रा क्या है? कैंडेला, ठीक है। मीटर यहाँ पर किसकी है? लंबाई की है, ठीक है। सेकेंड है टाइम, समय की। मोल पदार्थ की मात्रा की, ठीक है। तो अपने यहाँ से चार क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन पदार्थ की मात्रा की। तो अपने देखा पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सर दोस्त, इसमें आपको और यहाँ पर कैल्विन किसकी है? ताप की, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, ठीक है। मीटर आपको पता है लंबाई की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भौतिकी में कुल कितने मूल मात्रक हैं? तो मूल मार कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर हैं सात, ठीक है। सात कौन कौन से हैं अपन देखें तो लंबाई, लेंथ, मास, द्रव्यमान, ठीक है, टाइम, समय, विद्युत धारा। तो यहाँ पर अपन एम्पियर से, उसके बाद में है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में है ज्योति तीव्रता, और एक है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये सात मूल मात्रा, ठीक है। और जो दूसरे इनके जो इनसे मिलाने से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बल है, ठीक है, तो बल को क्या लिखेंगे? एफ बराबर क्या होता है? एम ए, ठीक है। एम ए तो इसके अंदर क्या है? द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण, ठीक है। तो ये दो से मिलकर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक अपने आप में खुद यूनिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्सेक बराबर कितने मीटर होता है? ठीक है, तो एक पार्सेक बराबर कितने मीटर होता है? यहाँ पर होता है 3.6 × 10⁻¹³, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं बल का मात्रा क्या होता है? यहाँ पर सॉरी करेक्शन करना है, यहाँ पर बल के कई मात्रक होते हैं, ऐसा ही कर लेना, ठीक है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन, ठीक है। जूल कार्य का होता है, वाट शक्ति का होता है, रेडियम घन कोण का होता है, ठीक है। कोण का क्या होता है? सॉरी घन कोण का नहीं, कोण का रेडियम, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है कोण का, बट इसकी विमा नहीं होती, ठीक है। ये विमा ही नहीं होता रेडियम। उसके अलावा अपन नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग क्या होता है? पी बराबर एम वी, ठीक है। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें गुरुत्व त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो गुरुत्व त्वरण क्या होता है? f बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दोस्तों सूत्र फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। अपने को अब इसकी इसका मान याद करना है, ठीक है ना, जी का। तो जी बराबर क्या हो जाएगा फिर? ये आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन M1 अपॉन M2, ठीक है। तो यहाँ पर M2 करना दोस्तों, यहाँ तो करेक्शन है इसमें, फर्स्ट आपका जो सही होगा इसकी जगह एम स्क्वायर कर सकते हैं अपन, जब M1 बराबर M2 हो तो, ठीक है। M1 बराबर M2 हो तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एम स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, या फिर M1 बराबर M2 हो तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा गति का समीकरण गलत है, ठीक है। आपको पता है गति के तीन समीकरण होते हैं, तो यहाँ पर देखो s बराबर v प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है? ये
एस बराबर वी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूरी। वी क्या है यहाँ पर, अंतिम वेग। ठीक है, हाफ आई, ए यहाँ पर क्या है, त्वरण, और टी आपको पता है क्या होता है, समय। तो ये तो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं अपन, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी क्या आपको बताया था, वी मैंने क्या है, अंतिम वेग, यू यहाँ पर प्रारंभ वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक है, ए यहाँ पर त्वरण है, और टी क्या समय। इसे क्या है दोस्तों, आपका जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। आप अगर गति के समीकरण के ऊपर आपको कोई भी न्यूमेरिकल देते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर टू एस। या अपन इसको करें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो v आपको पता है अंतिम वेग है, u आपको पता है प्रारंभिक वेग है, a यहाँ पर त्वरण है, h यहाँ पर दूरी है। तो ये वाला भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दूध को मथने में उसमें मथते हैं तो इसमें क्रीम निकालते हो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो करता है अपकेंद्री बल पर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, अपकेंद्री बल पर। ठीक है, अपकेंद्री बल क्या था, जो बल केंद्र के बाहर की तरफ लगता है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल अंदर लगता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आपको पता ही है, त्वरण आपको पता ही है। त्वरण क्या होता है, त्वरण ए बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग नाम आया तो वेग किसे कहते हैं, वेग बराबर डी एक्स अपॉन, थोड़ा मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, वेग क्या होता है, वेग होता है डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होगा, वेग, और वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा आपका, त्वरण। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत होता है, यदि किसी वस्तु पर अपन त्वरण लगाते हैं तो वह कार्यरत होता है। कार्यरत से क्या हो जाता है, उसमें इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बढ़ता है, इस समय के स्थिर रहता है, इस पर बल कार्य करता है, पर उसके क्या है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने अभी मैंने बताया आपको, अगर त्वरण कार्य रहता है तो त्वरण में परिवर्तन किससे होगा, वेग से, क्योंकि a बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इसमें किस में, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो क्या है, वेग बदलता है। ठीक है, चाल नहीं बढ़ती है, संवेग भी स्थिर रहता है और बल कार्य नहीं करता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट की बात करें, किसी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो त्वरण किस दिशा में लगता है, तो बाहर की तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा, या परिधि की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, केंद्र की तरफ। ठीक है, क्योंकि जैसे ये कर्व है ऐसी वृत्ताकार घूम रही है, तो ऐसे घूमेगी तो इसका जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा इसके अंदर के, अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या है, वो स्थायित्व उसका मोड़ को काट लेगी। लेकिन अगर इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा तो वो कुछ भी मतलब पार्टिकल है वो, या जो भी गाड़ी वगैरह है वो बाहर की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो क्या लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन का जो तैरने का नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन से नियम पर आधारित है न्यूटन का, पहले पे, दूसरे पे, और तीसरे पे। ठीक है, तो आपको पता है तीसरे पे। ठीक है, तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया
प्रतिक्रिया का नियम। दूसरे नियम से क्या है पेपर, जो पल की वो डेफिनेशन क्लियर होती है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में थोड़ी बात करनी है। तो जैसे कि अगर अपन किसी भी वस्तु पर क्रिया, इसे ऐसे इसके अंदर बल अपन आरोपित करेंगे, उसके विपरीत दिशा में भी क्या है उसकी प्रतिक्रिया होगी, मतलब रिएक्शन फोर्स, ओके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देते हैं, जेट विमान निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, गति के तीसरे नियम पर करता है, बिल्कुल ठीक है। रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर करता है, परनोद के सिद्धांत पर करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं करता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं करता, ठीक है। आपका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है। अभी अपन ने बात की न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल का, ठीक है, एफ बराबर एम ए। अगर इसे इसका अपन अवकलन करेंगे तो डी एफ अपॉन डी टी बराबर एम, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा दोस्तों, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी को अपन ए भी लिख सकते हैं, अपन आपने बताया अभी, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, ठीक है, अर्ग नहीं है यहाँ पर, करेक्शन करना है, यहाँ पर है अर्ग, ठीक है। तो कितने अर्ग होते हैं, तो 10^5, 10^7, 10^12 और 10^2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10^7, ठीक है, 1 जूल बराबर 10^7 जूल होती है जूल, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, ठीक है, ये आप दोनों याद रखना। 1 जूल बराबर 10^7 जूल होता है, ठीक है, सॉरी दोस्त, यहाँ पर होगा अर्ग, यहाँ पर करेक्शन करना, यहाँ पर जूल नहीं होगा, 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है, ठीक है, ये दोनों आपको फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, संवेग का मात्र क्या है। तभी आपको बताया संवेग P बराबर एम वी, सिंपल इतना आपको पता है। एम तो एम का आपको पता है द्रव्यमान का एसआई मात्र क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्र होता है केजी, ठीक है, केजी होगा। अब वेग, वेग को अपन क्या मतलब इसकी छोटे से छोटे उसमें डिवाइड करना पड़ता है, तो वेग बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है। विस्थापन मतलब छोटा विस्थापन है, विस्थापन से नीचे क्या डिस्टेंस होता है इससे, लेकिन मतलब फॉर्मेटली इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, तो विस्थापन क्या होता है मीटर एसआई में, ठीक है, और टी का क्या होता है सेकेंड, तो ऐसे इसका क्या बन गया, केजी इंटू मीटर इंटू टी सेकेंड, ठीक है। तो कौन से में इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, ठीक है, न्यूटन आपको पता है बल का होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं जी का मान क्या होता है, तो जी का मान क्या होता है, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, स्मॉल जी, इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार होता है, किसी वस्तु की पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने और उसका भार वहीं रहेगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा या बढ़ता जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जब अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका बार क्या है, शून्य हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किसी वस्तु का न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है, तो पलायन वेग कितना होता है यहाँ पर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मात्रक जरूर याद रखना दोस्तों इसका। उसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका है, तो किस कारण रुका है पृथ्वी पर वायुमंडल, तो वो रुका है यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने आज इम्पोर्टेंट
20 जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आप आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों में देख से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ये आपको आप रोज़ हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।